हेलो दोस्तों, कैसे हो। नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट से ही रिलेटेड है, लेकिन ये वीडियो बोर्ड्स के लिए कुछ ज़्यादा उपयोगी नहीं है, बल्कि अगर आप इसे पढ़ते हैं और इसके फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं, इससे बनने वाले जो और नए फॉर्मूलेज होंगे वो भी मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा, और उससे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स, जो कुछ डिफ़िकल्ट डायग्राम्स हैं जो जेई मेन्स में आते हैं, जेई एडवांस में आते हैं, जैसा कि मैंने स्टडी किया है, सो वो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। सो दिस वीडियो इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन्स। सो लेट्स बिगिन विथ इट। एज यू कैन सी, हमारे सामने हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। एक रिंग की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, मैं आपके सामने उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, प्लीज पे अटेंशन। ये होगी हमारी वो रिंग। मतलब अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूं, सो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो दिस इज अ रिंग, यू कैन सी इट। या ये ऐसे भी रिंग है, ये ऐसे भी रिंग है, बट हमें ये जो ऐसे रिंग जो हमने बनाया, ये कैसा केस है समझने की कोशिश करिए। ऐसा केस, ठीक है, हमें ऐसे पकड़ना है रिंग को। हमें एक एक्सिस बनानी होगी इसके सेंटर से पास होने वाली। एक्सिस आप सब जानते हैं, दिस इज, ये वो एक्सिस है। हमें ये एक्सिस बनानी होगी, हमें एक पॉइंट लेना है। लेट अस टेक दिस पॉइंट और इसका नाम लेता हूं पी। ठीक है, सभी जुगनू अच्छे से यहां पर ध्यान दें, समझेगा नहीं वरना। ओके, ये है वो पॉइंट पी। हम इस सेंटर का नाम दे देते हैं ओ, और जैसा कि हर एक सर्कल का एक रेडियस होता है, सो लेट्स ड्रॉ अ रेडियस कैपिटल आर। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि मैंने ये जो सर्कल का रेडियस बनाया है वो है कैपिटल आर। अब दोस्तों, मैं क्या करूंगा कि मैं इस सर्कल पे एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा। मतलब अगर ये वो सर्कल है तो ये एक एलिमेंट लूंगा जो उसका हिस्सा है। देख लीजिए, जो उसका हिस्सा है, सो दिस इज दैट एलिमेंट। हमने ये एलिमेंट ले लिया जिसको हमने डीएल लिख दिया। अगर आपको बायो सावर्ट्स लॉ याद हो तभी आपको यह समझ में आएगा, वरना मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिए, आपको बायो सावर्ट्स लॉ समझना चाहिए। नाउ दिस इज डीएल। हम यहां से एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे पी के तरफ। हमने पी के लिए एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया है, एंड दिस वुड बी स्मॉल आर। हम इस डिस्टेंस को ओ से लेके पी तक के डिस्टेंस को एक्स ले लेंगे। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, पूरी कोशिश करिए ध्यान देने की। देखिए हमने क्या किया, हमने एक रिंग लिया, एक्सिस लिया, पॉइंट लिया, हमने उसे एक एलिमेंट लिया डीएल, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। यहां से दोस्तों हमें एक बहुत ही जरूरी चीज को समझना है, एंड दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसका वेक्टर हमें समझना है। पहले तो मैं आपको डीएल और आर की कहानी समझाता हूं, ठीक है। देखिए, डीएल इस तरीके से, जो डीएल है, डीएल यहां से ऐसे होगा, ओके, और ये जो लाइन है स्मॉल आर जो आपको डायग्राम में दिख रही है, वो डीएल को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब डीएल के साथ 90 डिग्री होनी चाहिए। अगर ये डीएल है, डीएल, सो आर उसको 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए आर के साथ। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, दिस इज डीएल, दिस इज आर। डीएल ऐसे जा रहा है, आर ऐसे जा रहा है, मतलब आर ऐसे जा रहा है, तो कितना एंगल बन रहा है बताइए, 90 डिग्री। बिल्कुल सही। मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है दोस्तों, तो चलिए मेरा पिछला वीडियो देखिए जाकर, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड उंगलियां करंट को बताती हैं, अगर उंगलियां करंट को बताएं, करंट अगर ऐसे जा रहा हो, जब ऐसे मूव हो रहा हो करंट, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करंट जा रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यह अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा अंदर, और अगर करंट ऐसे आ रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। बिल्कुल सही, अगर करंट ऐसे आ रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। इस बात को ध्यान से सुनिए। अब यहां आपको क्या लगता है, अगर मैं इस तरीके से करंट की डायरेक्शन को शो करता हूं, करंट अब इस तरीके से आ रहा है, मतलब करंट अब ऐसे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, बाहर होगी,
और अगर मैं यहां पे करंट की डायरेक्शन ऐसे शो करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? अंदर होगी। दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अब डीएल और आर को समझाता हूं। ये था डीएल, डेरिवेशन पे हम बाद में जाएंगे, हमें पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना है। ये था डीएल और ये है आर, ओके। इनकी जो प्लेन है वो इस प्रकार से होनी चाहिए। प्लेन को समझिए आप, दिस इज, ये है वो प्लेन। मैं आपके सामने एक बार फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं, ये है वो प्लेन, ध्यान दीजिएगा। समझ में आना जरूरी है, हम थोड़ा स्लो जाएंगे। ये देखिए डीएल एंड आर, और मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसको मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसे परपेंडिकुलर हुआ ये, यस और नो? देखो अगर इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकली तो किस तरफ जाएगी? बाहर के तरफ। ये है डीएल, ये है आर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर के तरफ, तो ये बनाया मैंने बाहर के तरफ। इफ सपोज मैं यहां पर एलिमेंट लेता हूं डीएल, सर जैसे मैंने ऊपर लिया वैसे मैं यहां ले सकता हूं। अगर मैं यहां पे एलिमेंट लेता हूं डीएल और यहां से ज्वाइन करता हूं पॉइंट पी और ये होता है आर, ओके, सो ये डीएल इस तरफ जा रहा है, आर इस तरफ जा रहा है, ये है डीएल। देखिए डीएल इस तरफ जा रहा है, आर इस तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगी। मतलब अगर ये प्लेन हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर और यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी। ध्यान रखना है आपको, दिस इज अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है डीबी, ये है दूसरी डीबी। चलिए अब हम डेरिवेशन की स्टार्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स बायो सावर्ट्स लॉ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर कुछ चीजें यहां से हमें बनानी है। दिस इज थीटा, ये है 90, अगर ये 90 हुआ, ये थीटा हुआ, ये पूरी लाइन 180 की होती है, सो दिस इज 90 माइनस थीटा। ये सब आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, दिस इज थीटा, दिस इज 90, पे अटेंशन प्लीज। मैं यहां से कुछ वैल्यूज निकाल लेना चाहता हूं। अगर आप देखो, अगर मैं स्मॉल r की वैल्यू निकालू, दिस इज, ये 90 डिग्री बन रहा है, सो वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, r इज इक्वल टू अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। यहीं से हम साइन थीटा निकाल लेंगे, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। इन दोनों का फॉर्मूला बहुत ज्यादा अभी काम में आने वाला है। दूसरी बात ध्यान में रखना है कि जब सर्कल का यूज करेंगे तो रेडियस लेना है कैपिटल आर, और जब डिस्टेंस लेंगे तो हमें स्मॉल आर लेना है। लेट्स बिगिन विद बायो सावर्ट्स लॉ। हमें बी नेट चाहिए, सो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी करना होगा। अब डीबी की वैल्यू बायो सावर्ट्स लॉ से आपको याद होनी चाहिए, बताइए, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, हाँ, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आर, ये वाला आर होना चाहिए, ओके, ये ध्यान रहे आपको। म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, ओके। सो अगला टर्म जो बनना है हमारे पास, इन चीजों को हम बाहर भेज सकते हैं, बाहर क्या क्या जाएगा बताओ, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई साइन थीटा, है ना, अपॉन क्या जाएगा आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचेगा, डीएल। दोस्तों ये जो डीएल का इंटीग्रेशन होगा, ये जीरो डिग्री से लेके तो कंप्लीट सर्कमफरेंस के लिए होगा। सर्कल का सर्कमफरेंस हम लेंगे लोअर लिमिट जीरो से अपर लिमिट टू पाई आर, ये बात ध्यान रखे, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला टू पाई आर। आगे ध्यान दीजिए, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई के साथ आई साइन थीटा क्या है, हाउ मच इज साइन थीटा, टेल मी, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, तो मैं साइन थीटा के जगह लिख दूंगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और मत भूलिए कि साथ में दिया हुआ है आर स्क्वायर, तो ये रहा आर स्क्वायर, यस, ये आर स्क्वायर और ये साथ में मल्टीप्लाई होके क्या बन चुका है बताइए,
आर क्यूब। यस, आगे बढ़ता हूं मैं, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई कैपिटल आर अपॉन आर क्यूब। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और जब कोई चीज अंडर रूट में होती है पावर में जाके 1/2 बन जाती है, पढ़ाया था मैंने आपको। सो इट्स गोइंग टू बी, पहले हम स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर देंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर अंडर रूट का मतलब 1/2 लिख देंगे, करेक्ट। क्या हम इसमें कुछ और चेंज कर सकते हैं? अगर आप देखो तो ये क्यूब है ना, तो 3 × 1/2 मतलब ये क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, 3/2, सही है। मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, यहां तक आप एक बार नोट कर लीजिए। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसमें इस कंडीशन में अगर आप देखो, हमारे पास में यहां बचा था इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2πr dl, राइट। dl का इंटीग्रेशन होता है l, और लेंथ की वैल्यू हम पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करके क्या ला सकते हैं, 2πr, सो इनटू 2πr, ये इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब आपको एक बात देखनी चाहिए, 2πr किससे रिलेटेड होता है, सर्कल से रिलेटेड है, और सर्कल का रेडियस क्या है, कैपिटल आर। सो हमें यहां स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर यूज करना चाहिए, ये आप हमेशा याद रखेंगे, इनटू 2πr। अब आपके सामने जो इक्वेशन है इसमें आप कैंसलेशन कर सकते हो, मैं इसे एक बार रीराइट कर लूंगा, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इनटू 2πr 2πr। दोस्तों इसमें से जो कैंसिल हो सके उसे कैंसिल कर देते हैं, बताइए क्या कैंसिल होगा, 2 कैंसिल, 2 देन पाई पाई कैंसल। अब हमारे पास जो चीजें बची वो है म्यू जीरो आई आर इंटू आर आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस, ये रहा ट्वाइस, ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये है हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट को ध्यान रखें, अगर आपको यहां की कैलकुलेशन में थोड़ा सा इशू हुआ होगा तो मैं आपको एक बार बता देता हूं फिर से कि वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में था और उसका होल पावर था क्यूब। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, इसलिए इसे हमने इनटू 1/2 किया, और 3 × 1/2 3/2, और इसलिए हमने लिखा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ध्यान रखें, एक बार इस पूरे वीडियो को अच्छे से फिर से देखें और पूरा लिखा हुआ टॉपिक आपको नोट करना है, ये रुका नहीं है, अभी ये आगे इसके डिफरेंट टाइप्स हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स अ लॉट, नोट इट डाउन। दोस्तों अभी आपने जस्ट जो टॉपिक देखा है ना, कि एक्सिस पे, एक रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूं। फॉर आर्क ऑफ द सर्कल, ये कहां यूज होगा, इस आर्क ऑफ द सर्कल में जो डायग्राम अभी आप सीखोगे और उससे जो फॉर्मूला आएगा, नोट करिए इस बात को, जो फॉर्मूला आएगा उसमें एंगल चेंज कर करके और करंट की डायरेक्शन से डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक डेरिवेशन करके देखते हैं हम लोग। अगर आप यहां पर ध्यान दीजिए, सो ये है आर्क ऑफ द सर्कल, एक आर्क है ये, जिसका मैं यहां पे थीटा एंगल ले लेता हूं, ठीक है। थीटा एंगल लेने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पे करंट एलिमेंट ले लूंगा, टेंशन ना ले, ये वही सर्कल का हिस्सा है, हमने बस उसका एक पार्ट लिया है, आर्क लिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए इस बात की तरफ, मैं यहां पे एक छोटा करंट एलिमेंट ले लेता हूं जिसका नाम हम हमेशा से लेते आए हैं डीएल। अब उसकी जो डिस्टेंस ले रहे हैं हम सेंटर से, उसे ले लेते हैं हम कैपिटल आर। अगर कंप्लीट आर्क लेते हो तो ये पूरा सर्कल का लेंथ होता है 2πr, लेकिन जब हमको इसका एक हिस्सा ही लेना होता है तब हम कैसे लेंथ निकालते हैं, मान के चलते हैं कि अगर ये लेंथ हमें निकालनी है, सर्कुलर मोशन याद करिए, सो थीटा इज आर्क लेंथ
अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला यूज होता है। मतलब थीटा इज इक्वल्स टू, मान लीजिए आर्क लेंथ हमने डीएल एल जो भी ली हो, अगर हमने कंप्लीट लेंथ एल ली हो, इस आर्क की लेंथ एल ली हो, सो अपॉन आर, आर ऊपर जाता है, आर थीटा इज इक्वल्स टू एल। अगर कंप्लीट सर्कल होता तो लेंथ होता 2πr, लेकिन अगर कंप्लीट सर्कल नहीं पर उसका थोड़ा सा आर्क है, कितने भी डिग्री का हो, तो आप ले सकते हो आर थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमें इंटीग्रेशन करते वक्त काम आएगा। सो यहां पे अगर मैं देखूं, सो डीएल, ये है डीएल और ये है आर के बीच का एंगल है 90 डिग्री। बायो सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू जीरो अपॉन 4π आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैंने कैपिटल आर लिया है क्योंकि हमने ये वैल्यू देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम इसे अगर आगे सॉल्व करते हैं, हम लोगों को थीटा 90 लेना है, जो चीजें कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकाल लेना है। सो ये आया म्यू जीरो अपॉन 4π आई साइन थीटा को 90 ले लेना है, यहां पे 90 है, साइन 90 मैं बाहर ले रहा हूं, अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब डीएल का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पिछले केस में जो इसी वीडियो में आपने देखा है कि हमने इंटीग्रेशन में 0 से 2πr लिया था, अब क्योंकि सिर्फ एक आर्क है, सो हम, अभी मैंने आपको बताया कि उस आर्क की लेंथ हम कितनी लेते हैं, आर थीटा, तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर आएगा 0 से r थीटा। क्लियर है, डेरिवेशन आगे सॉल्व करना है, म्यू जीरो अपॉन 4π आई साइन 90 कितना होता है बताइए, 1, सो 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है। ओके, एल थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, 0 अपर लिमिट आर थीटा, पहले आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो, म्यू जीरो आई 4π आर स्क्वायर एल के जगह अपर लिमिट आर थीटा माइनस, फिर आप एल के जगह लोअर लिमिट 0 आर थीटा माइनस 0, मतलब आर थीटा माइनस 0 क्या आता है, आर थीटा, राइट। अब आपको इसमें से कुछ चीजें कैंसिल करनी होगी, आर आर कैंसिल, क्या फॉर्मूला बचा है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डेरिवेशन बस खत्म होने वाला है इसका। सो इट इज म्यू जीरो आई अपॉन, यहां पे साथ में क्या है थीटा, म्यू जीरो आई थीटा अपॉन, नीचे क्या बचा है 4πr। बहुत ही इजी वे में हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, ध्यान देना है कि अगर कोई आर्क है, सर्कल नहीं है, उसका कितना भी हिस्सा हो, कोई आर्क है, सेमी सर्कल हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, मे बी 360 डिग्री ले लो, कितना भी डिग्री ले लो, तो आपको वो थीटा के जगह पे बस वैल्यू चेंज करनी है। ये जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, 3 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 1 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो उन सब में बस आपको थीटा की वैल्यू को चेंज करना है। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड फॉर आर्क ऑफ द सर्कल। अब इसके आगे मैं जो बताऊंगा वो 2-3 न्यूमेरिकल्स लूंगा रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला। थैंक्स अ लॉट, इसे एक बार नोट करिए। तो दोस्तों अभी आपने जो डेरिवेशन देखा वो एक आर्क ऑफ द सर्कल के लिए था, है ना, तो अब अगर आप देखो तो यही वो फॉर्मूला था कि b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई थीटा अपॉन 4πr। चलो जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं वो अपनी आंखें बंद करें और इसको तुरंत याद करें, चलो जल्दी से फटाफट याद करो, आप सबको फिजिक्स की कसम है, फटाफट याद करो, बताओ b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई थीटा अपॉन 4πr। देखो याद नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, मैं आपको बता दे रहा हूं, समझ गए आप, जल्दी से याद करो, b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई थीटा अपॉन 4πr, जहां थीटा मैंने आपको बता दिया है क्या होता है ना, आप पीछे थोड़ा सा वीडियो जाकर देख लीजिएगा। अब सपोज करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, अगर सेमी सर्कल है, ये है सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल में सेंटर से जो थीटा होता है वो होता है 180 डिग्री, सही बोल रहा हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू 180 को रेडियंस में कन्वर्ट करिए, क्या होता है पाए होता है, करेक्ट, ध्यान दीजिएगा। So, अगर मैं सेमी सर्कल लेता हूं, मैं 3 केसेस यहां पे बना लेता हूं, पहला केस सेमी सर्कल लेता हूं मैं, 3 अलग अलग फॉर्मूलाज बनाएंगे हम लोग।
सेमी सर्कल, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें थीटा होता है पाए, ओके 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री थीटा पाए। सेकेंड केस हम क्वार्टर ले लेते हैं, क्वार्टर सर्कल, अगर मैं क्वार्टर सर्कल लेता हूं तो वो सेमी सर्कल का भी हाफ होता है, सेमी सर्कल का भी हाफ होता है, मतलब ये इतना हिस्सा होता है जिसमें थीटा होता है पाई बाय टू, 90 डिग्री, करेक्ट। और थर्ड केस है कंप्लीट, कंप्लीट 360, मतलब थीटा इज इक्वल टू, बोलिए 2 पाई, करेक्ट 2 पाई, 360 डिग्री कंप्लीट। सो ये तीनों केसेस में ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है, कैसा भी आए, सिर्फ ये तीन एंगल्स नोटिस करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है और सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, बी पहले केस के लिए, फॉर फर्स्ट केस ध्यान देना है, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई थीटा, थीटा की वैल्यू बोलिए पाए इनटू पाई अपॉन 4πr, सो पाई पाई बाय बाय मतलब कैंसल, अगर पाई पाई कैंसल हो गया तो आपके पास में क्या बचता है, म्यू जीरो आई अपॉन 4r, सही है, ध्यान रहे ये दिस इज म्यू जीरो आई अपॉन 4r। अगला केस है हमारे सामने फॉर क्वार्टर सर्कल, जहां पे थीटा कितना है, टेल मी पाई बाय टू, अरे बोलते क्यों नहीं भाई, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई थीटा की वैल्यू पाई बाय टू, यस पाई बाय टू अपॉन 4πr, पाई पाई फिर से बाय बाय मतलब कैंसल, और ये आया म्यू जीरो आई, टू नीचे आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 8r, हम अभी जो न्यूमेरिकल लेने वाले हैं उसमें ये काम आएगा हमें, सो बी आया म्यू जीरो आई अपॉन 8r, ठीक है। तो सेकेंड केस में हमें मिल चुका है म्यू जीरो आई अपॉन 8r, हमें बस थीटा की वैल्यूज चेंज करनी है। और दोस्तों तीसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू हमारे पास में, तीसरी वैल्यू चलिए बताइए, तीसरी वैल्यू हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, म्यू जीरो 4πr, एक्सक्यूज मी b इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4πr, म्यू जीरो अपॉन 4πr आई थीटा अपॉन r, राइट। सो म्यू जीरो अपॉन 4πr, आई की जगह पे i, थीटा की जगह पे 2πr अपॉन r, तो पाई पाई बाय बाय, 2 × 1 = 2, 2 × क्या आया, म्यू जीरो i अपॉन 2r, ये वैल्यू याद आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ रिंग, क्या पढ़ाया था, या सर्कुलर कॉइल, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r, देखो म्यू जीरो आई अपॉन 2r, मतलब जब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगी तो यही बन जाएगा म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r। सो क्या आपको ये तीनों केसेस समझ में आ चुके हैं, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इन तीनों केसेस को अच्छे से नोट डाउन करके अलग अलग न्यूमेरिकल्स में हम अप्लाई करेंगे। देखिए हो गया फ्रेंड्स, देखिए अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ाया आर्क के लिए फॉर्मूला, म्यू जीरो आई थीटा अपॉन 4πr, ये फॉर्मूला आर्क के लिए मैंने पढ़ाया आपको, है ना, मैग्नेटिक फील्ड आर्क ऑफ द सर्कल। अब इस फॉर्मूले के ये दो एप्लीकेशन जेई मेंस में जो आए हुए हैं पहले, उनको हम समझ के देखते हैं। अगर आप ये दो चीजें समझ गए तो इसके बाद आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो जो आर्क से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा। लेट्स मूव विद दिस। अगर आप यहां ध्यान दीजिए, इसे समझाने के पहले थोड़ा सा मैं कुछ समय लेना चाहता हूं, इसके वजह से ये दो पॉइंट्स मैं आपके सामने बना रहा हूं, एक ए और एक बी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ए पे ज्यादा होगी या बी पे ज्यादा होगी, ए पे ज्यादा होगी क्योंकि ये करीब है, डिस्टेंस करीब है, और यहां डिस्टेंस दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, जब आप सेंटर की तरफ आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आप देखो तो करंट की डायरेक्शन, दो टाइप के सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है नीचे अंदर वाला, इस तरफ से करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैंने आपको सिखाया है कि करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंगूठा अंदर जा रहा है, और करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। सो भाई और बहनों ध्यान देना,
तो आप अगर इसके तरफ ध्यान देते हैं, ये इस तरह से ऐसे जा रहा है, तो इसकी ऐसे जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। अच्छा, इसका डिस्टेंस कितना है, रेडियस कितना है, कैपिटल आर देख सकते हैं आप। तो चलो पहले ये इनर सर्कल के बारे में बनाते हैं। बी इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला हमारा, म्यू जीरो अपॉन फोर पाए आई थीटा अपॉन आर, क्या यही हमारा फॉर्मूला है। अब दोस्तों ये क्या है, एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाए, मतलब 180 डिग्री। सो अगर मैं थीटा की जगह पे पाए सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे मिलता है म्यू जीरो अपॉन फोर पाए आई इंटू पाए अपॉन आर। आप पीछे से ये डायरेक्ट ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले पढ़ाया था, पाए पाए कैंसल और ये आया म्यू जीरो अपॉन फोर और यहां आया आई अपॉन आर, मतलब म्यू जीरो आई अपॉन फोर आर। ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी ये यहां हमें नोट करना पड़ेगा। देखिए अगर इस तरीके का सिंबल है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस तरीके का सिंबल हम यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बाहर। यहां पे करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसलिए यहां क्रॉस बना देता हूं डायरेक्शन बताने के लिए। हो सकता है ऑप्शन में हो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड, तो आप लिखेंगे कहां है मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड, क्रॉस। ठीक है, अब बड़े सर्कल की बात करते हैं। ये जो बड़ा सर्कल है दोस्तों, ये ऐसे करंट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा है। ठीक है, अब उसका आप डिस्टेंस देखिए, रेडियस देखिए, सेंटर यहां से यहां आर और यहां से यहां आर, ये पूरा उसका डिस्टेंस है। और आर प्लस आर क्या होता है, बोलिए, ट्वाइस आर, यस। सो इसे भी हम यहां पर यूज करेंगे, ध्यान देना है सभी को, प्लीज पे अटेंशन। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस बड़े सर्कल को जिसमें इस तरीके से करंट आ रहा है और ये डिस्टेंस हो रहा है ट्वाइस आर, हमारा बी का फॉर्मूला है बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाए आई थीटा अपॉन आर। सो म्यू जीरो अपॉन फोर पाए आई थीटा, फिर से 180 डिग्री, भाई सेमी सर्कल ही है, सो पाए अपॉन आर, फिर से पाए पाए कैंसल, आंसर आया। देखिए अब आर नहीं लिखोगे, अब डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस आर, तो ट्वाइस आर लिखोगे, फोर टू जा एट, सो दिस विल बी म्यू जीरो आई अपॉन फोर टू जा एट एट आर, सो दिस इज बी म्यू जीरो आई अपॉन एट आर। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है, तो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड देखिए ज्यादा है और ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड कम है, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है। सो अब आप ये बताएंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। मैं थोड़ा ये पोर्शन भी यूज कर सकता हूं, देखिएगा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर के तरफ थी, सो यहां पर हम बाहर का सिंबल लिखेंगे। ज्यादा कौन सी होगी, अंदर वाली या बाहर वाली, जिसका डिस्टेंस कम वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो डायग्राम से पता चल रहा है कि छोटे सेमी सर्कल का डिस्टेंस जो है वो कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। कौन सा होगा बताइए, अंदर के तरफ, ये ज्यादा ये स्मॉल, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नेट, सर आप माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अलग अलग है ना। सो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर ये होगा स्मॉलर ये होगा। सो हम लिखेंगे म्यू जीरो आई अपॉन फोर आर माइनस म्यू जीरो आई अपॉन एट आर, ये हो गया आपका आंसर। इसमें से आप कॉमन निकाल के बाहर ले सकते हैं, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, एक मिनट, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे एंड देन ये पूरा सॉल्व करने के बाद हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं मिटा देता हूं अगला सवाल सॉल्व करने के लिए। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, अगर मैं इसे एक कंप्लीट सर्कल कंसीडर करूं, ध्यान से देखिएगा, उसको मैंने ये एक दो तीन चार हिस्सों में तोड़ दिया। अब इसमें बोला जाएगा कि ये आठों हिस्से एक बराबर है, आठों हिस्से एक बराबर है, इसका मतलब है ये भी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, करेक्ट, क्योंकि इन्हें मत भूलिए, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45, इन्हें भी तो जोड़ना होगा हमें, करेक्ट। सो याद रहे
इससे हम ये आसानी से बोल सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है, क्योंकि आठ हिस्से हैं, आठ कौन से, एक दो तीन चार, बाकी इनको भी गिनिए, एक दो तीन चार, ये जो रंगोली जैसी डायग्राम दिख रही है कई बार आई हुई है, ध्यान रखना इस पे, 45 45 45 45, मतलब अब हमें थीटा क्या लेना है, 45 डिग्री। सर आपने 45 क्यों लिया, अरे गधों, ये एक 360 डिग्री का सर्कल है, आठ हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए तो 45 डिग्री आ जाएगा। ओके, सो थीटा 45, हमारा बी का फॉर्मूला बताइए फिर से, म्यू जीरो आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। अब थीटा कितना, 45 को पाई के टर्म्स में आप कैसे लिखते हो, टेल मी फास्ट, जल्दी से बताओ। देखो अगर 90 डिग्री हो तो आप पाई बाय 2 लिखते हो, तो 45 को आप कैसे लिखोगे, टेल मी, पाई बाय 4 लिखोगे। सो अगर आप पाई बाय 4 लिखते हो तो थीटा आ जाता है 45 डिग्री। सो यहां रहा म्यू जीरो, लेकिन 45 डिग्री वाले टोटल कितने हैं यहां पे, 1 2 3 4, और सब में करंट की डायरेक्शन देखिए सेम है, करंट ऐसे ही जा रहा है सब में, है ना। सो चार है, 1 2 3 4, और क्योंकि चार है तो हम लिखेंगे 4 into, यस कम ऑन, म्यू जीरो आई थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4, सो ये रहा पाई बाय 4 होल अपॉन, यस 4 पाई आर। ये 4 भी नीचे आ जाएगा और फिर मैं लिख सकूंगा पाई बाय 4, क्या क्या कैंसिल होता है, कमांड टेल मी, पाई पाई कैंसिल, 4 4 कैंसिल, और हमारे पास जो आंसर बचता है वो बचता है म्यू जीरो आई अपॉन 4 आर। देखिए म्यू जीरो आई अपॉन 4 आर, सो ये आया आंसर म्यू जीरो आई अपॉन 4 आर। ये बात ध्यान रखना है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है या बाहर, किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, इन दिस वे, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऐसे आ रहा है, तो करंट ऐसे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंगूठा बता रहा है कहां, बाहर, और बाहर का सिंबल देखिए, सो ये रहा, समझ गए आप, इसे नोट करिए, अच्छे से समझिए, जेईई मेंस के कई क्वेश्चंस ऐसे आपको सॉल्व करने होंगे। थैंक्स अ लॉट।